बैटरी का ईएमएफ दे रखा है ई, जो दे रखा है 10 वोल्ट, और उसके अलावा जो दे रखा है इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दे रखी है, और कितना दे रखा है 3 ओम, और उसके बाद करंट इन द सर्किट, करंट सर्किट में करंट जो दे रखा है आई वो दे रखा है 0.5 एम्पियर, इट मीन्स 1/2 एम्पियर। ओके, और इसके अलावा और कुछ दे रखा है नहीं। तो अब सर्किट में जो करंट फ्लो होता है क्या ऐसे ही होता है ई बराबर, या फिर डायरेक्टली हम आई की वैल्यू क्या कैसे लिखते हैं, आई की वैल्यू लिखते हैं आई इक्वल टू ई बराबर आर अपॉन आर। ओके, वी वी बराबर ई आई आर, तो आर इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने। अब 0.5 टोटल करंट है, 10 बैटरी का वोल्टेज है आर, और ये 3 इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ से एक रिलेशन आएगा, आर में एक इक्वेशन बनेगी अपने पास, वो इक्वेशन होगी 0.5 आर प्लस 1.5 इक्वल टू 10। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1.5 उधर भेजेंगे तो आर की वैल्यू आएगी 8.5 डिवाइड बाई 0.5, पॉइंट से पॉइंट उड़ाया मैंने तो हो गया ये 17। ओके, 17 वोल्ट 17 ओम की वैल्यू आ गई आपकी 17 ओम, तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है।